इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन अपने आधार कार्ड को किस तरह सुधार कर सकते हैं, जिसमें अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, भाषा और पिता पति का नाम भी आप सुधार कर सकते हैं ऑनलाइन बिना आधार सेंटर जाए। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग का कमेंट था, उस कमेंट के हिसाब से ही आज का एक नया वीडियो है, जिसमें पूछा गया था कि जब भी मैं अपने स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो उसमें जो यूआरएन नंबर मांगा जा रहा है वो 14 अक्षर का है, 14 अंक का है, लेकिन जो हमें मिला है यूआरएन नंबर वो सिर्फ 8 अक्षर का ही है। तो कैसे चेक कर पाएंगे कि मेरा करेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको स्टेटस चेक करना, किस तरह अपने आधार करेक्शन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग जो भी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे 14 अक्षर का यूआरएन नंबर मांगा जा रहा है, लेकिन आपको मिला है सिर्फ 8 अक्षर का ही यूआरएन नंबर। तो चलिए किस तरह स्टेटस चेक करते हैं वो भी आपको हम सिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको सिखाएंगे अगर करेक्शन हो जाए तो किस तरह डाउनलोड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ से आपने करेक्शन किया था। यहाँ आपको मिलेगा चेक अपडेट स्टेटस, चेक अपडेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, जिसका आप करेक्शन किया उसका आधार नंबर देंगे। आधार नंबर देने के बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आप यहाँ पर SRN नंबर या URN नंबर से चेक करेंगे। तो URN नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको देना होगा 14 अक्षर का URN नंबर। सबसे पहला जो 4 अक्षर देना है आपको 0 देना है, 4 बार 0, ठीक है। उसके बाद फ्लैश, फ्लैश यहाँ पे नहीं ले रहा है तो अब वो क्या करना है, आगे में सब यूआरएन नंबर के आगे 6 0 लगा देना है। उसके बाद जो आपका यूआरएन नंबर वो देना होगा बिना किसी फ्लैश डेक्स वगैरह के, इस तरह आपको 6 0 देना है। उसके बाद अपना यूआरएन नंबर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने शुरू में 6 0 दे दिए हैं, उसके बाद जो 8 अक्षर का था वो मैं अपना यूआरएन नंबर दे दिया। तो इस तरह आपको शुरू में 6 0 लगाना है, उसके बाद आपको यूआरएन नंबर देना होगा। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, कैप्चर इंटर करने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपका यूआरएन नंबर यहाँ पर आ जाएगा और आपका स्टेटस यहाँ पर शो कर जाएगा। तो अभी हमारा डिटेल जो वेरीफाई नहीं हुआ UIDAI के द्वारा, प्लीज़ चेक आफ्टर ए फ्यू डे, यहाँ कह रहा है प्लीज़ कुछ दिन बाद फिर से चेक करें। तो यहाँ पे आपका स्टेटस दिखा देगा कि आपका स्टेटस क्या है, अगर रिजेक्ट होता है तो यहीं पे बताया जाएगा, अगर आपका अप्रूवल होता है तो वेरीफाई होता है तो वो भी आपको यहीं पे बताया जाएगा। तो इस तरह अपना स्टेटस आधार करेक्शन का ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर न्यू टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो टॉपिक भी हमें ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो वीडियो भी आप तक पहुंच जाए।